उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हरियाणा की ओर से आ रहे ट्रकों को पकड़ा गया है। साथ ही खनिज से भरे वाहनों की जांच की गई है, जिनमें से करीब 40 वाहनों के रवाने स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें गाड़ियों को चौकी पर ही रोकने के आदेश दिए हैं। वहीं खनन व्यापारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी सभी गाड़ियों के कागजात बिल्कुल सही हैं। सहारनपुर से संवाददाता पारस पवार की रिपोर्ट। मामला ये था जी, यहाँ से अधिकारी गए यूपी में से, और हमारी गाड़ी हरियाणा में खड़ी थी परे बॉर्डर पे, परली साइड हमारी गाड़ी हरियाणा में चलती है ठीक। वहां से गाड़ी उठा कर लाए ड्राइवरों को मारे, ड्राइवर सो रहे थे, सारे कागज हैं हरियाणा के फुल सारे, मतलब कागज है हमारे पे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी गाड़ी में। वहां से उठा कर लाए, जबरदस्ती करी गई ड्राइवरों के, लोग मारपीट करी गई, इन्हें लेकर यहाँ खड़ी कर दी ला कर।